मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही। सभी साथियों को नमस्कार, मैं आपका भाई विश्व यादव लाइव अपने फेसबुक पेज पे अभी लाइव आया था, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या थी तो कट गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। फिर से एक बार जुड़ जाना आप लोग, आइए बातें करते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से बातें किए हुए। चौधरी शिवम पटेल जुड़ चुके हैं, नमस्कार भाई। रिंकू सागर, रिंकू अगर मैं आपको जान पा रहा हूँ तो आप अमरोहा से शायद हो ना। रिंकू कह रहे हैं हेलो ब्रो, कैसे हो आप? ठीक हूँ। आप अमरोहा से हो, एक बार आप कमेंट में बता देना जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। रोहित सिंह पाल जुड़ चुके हैं, नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते भैया। मेरी आवाज़ जा रही है क्लियर? एक बार जो लोग जुड़े हो जुड़ चुके हैं आप लोग थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक। रिंकू कह रहे हैं हाँ अमरोहा से। देखा मैंने, एक बार जिससे बात हो जाती है ना उसे मैं जान जाता हूँ हमेशा के लिए। नितिन पाल कह रहे हैं हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भाई, आप लोग कैसे हो? अरे नहीं भाई, सब फिल्टर उल्टर लगाता हूँ, इतना गोरा दिख रहा हूँ। सत्यदेव कुमार जुड़ चुके हैं भाई, नमस्ते। रिंकू कह रहे करेक्ट ब्रदर, एब्सोल्युटली राइट, हम अमरोहा से हैं। नितिन कह रहे हैं कि केवीएस केस की क्या अपडेट है? केवीएस का भाई दो जगह से पढ़ चुका है, एक कैट से भी और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी, अगले वीक ही हियरिंग होने वाली है उसकी। सत्यदेव मणिपुरी से हैं जुड़ चुके हैं। आकिब भाई जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। और बताओ कैसे हो आप लोग? अरे ब्रजेश भैया जुड़ चुके हैं, ब्रजेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा गाइड करते हैं सही गलत चीज़ों का, हमें बनारस से हैं। नरेश गुप्ता, धर्मेंद्र, अरे वाह, हरियाणा हरियाणा से भी भाई जुड़ रहे अपने। धर्मेंद्र मुंडे जी जुड़ चुके हैं, क्या कह रहे हैं? हेलो सर, धर्मेंद्र हूँ हरियाणा से, केवीएस की कोई अपडेट? हाँ धर्मेंद्र बता रहा हूँ, केवीएस की ये अपडेट है कि सेकेंड वीक में हियरिंग होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली, बाकी आज बुलाया गया था कैट वाला जो चीज़ें हैं, तो इलाहाबाद वहाँ से दिल्ली कैट से भी केवीएस को घेरा जा रहा है। देखो तो कुछ लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन जब चीज़ें अपने ऊपर आती हैं ना, अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं जब हमें तो कोई मतलब ही नहीं है तो हम क्यों क्यों ही लड़ रहे हैं। भाई जब तुम्हारे पे होगी ना, तुम अच्छे नंबर पा करके जब तुम बाहर होगे और तुम्हारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा ना, तब तुम इस दिन को याद करोगे। केवीएस के खिलाफ कोई आगे नहीं जा रहा था, कह रहे ये स्वतंत्र संस्था है, उसका जो मन करेगा करेगा। अरे क्यों मन करेगा भाई, लोकतंत्र है, आप अच्छे नंबर पाए हो और पूरे पूर्वांचल के छात्रों को गिन चुन चुन के बाहर किया गया है, तो ठीक है लड़ने में क्या जा रहा है यार। 2-4-5 हज़ार लगा के आदमी लड़ ले रहा है, एक तो संतुष्टि हो जाएगी ना कि हाँ अच्छे नंबर पा करके अगर मैं बाहर हुआ तो लड़ रहे, तो लड़ने दो लोगों को। पुनीत यादव चंदौली से जुड़ चुके हैं, पुनीत अभी मैं गया था तुम्हारे चंदौली। राज यादव जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं विशु भाई कैसे हो? ठीक हो, आप लोग कैसे हो? अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं, महादेव विशु भाई। नए शिक्षक भर्ती पे भी बोलूँगा, अभी नए शिक्षक भर्ती पे जुड़ तो जाओ आप लोग,
दरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं। कुछ लोग नहीं, शिक्षक भर्ती के बारे में देखिए यार, मैं बता दूँ, शिक्षा मंत्री का ये कहना है, बोल रहा हूँ आप लोग सुन लेना इसको सीरियस होकर के, लेकिन भरोसा मुझे ना कतरा भर में नहीं होता है जब तक ये लोग जारी ना कर दें। शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले जारी हो जाएगा, लेकिन परीक्षा चुनाव के बाद होगी। ये मैं नहीं कह रहा, शिक्षा मंत्री का कहना, ठीक है, और यही बात अधिकारियों का भी था, लेकिन मुझे इन सब पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। देखो, इतना सा भी भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ तो पोस्ट कर सकता था ये सब चीज़ें, मुझे पता भी है, मीटिंग भी हुई थी, लेकिन आप लोग गाली देते हैं कि ये सब क्या कर रहा है, और मेरे इस पोस्ट से न जाने कितने बैचेस खुल जाते हैं। आप लोग इस बात को मान रहे हो ना कि अगर मैं इस पोस्ट को डाल दूँ कि नहीं भर्ती हो भी सकता है, इसमें कोई मैं वो नहीं कह रहा, शिक्षा मंत्री खुद कहे इस बात को कि शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है आयोग बन जाएगा 3 महीने में, जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल तक बन जाएगा, उसके बाद शेड्यूल जारी होगा। चुनाव से पहले उन्होंने कहा है कि विज्ञापन हम दे देंगे लेकिन परीक्षा नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा भरोसा नहीं, थोड़ा सा भरोसा नहीं है इन सब पे, क्योंकि इसके पहले भी एक बार ये लोग हमारे साथ गेम कर चुके हैं। पोस्ट डालूंगा उसके बाद जितने बड़े कोचिंग वाले हैं नया नया बैच शुरू कर देंगे, छात्रों के साथ धंधा शुरू हो जाएगा। और सुनील जी कह रहे हैं KBS की, तो जो इलाहाबाद में याचिका पड़ी है उसकी डेट जनवरी 2nd वीक में लग जाएगी, जो भी होगा। पवन कुमार कह रहे हैं 800-800 का क्या भाई, भाई जो धरना चल रहा है 800-800 वाला मुद्दा, हम लोग भी चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं कि भाई देखो, जो लोग संघर्ष करते हैं उन्हें सफलता मिलनी चाहिए, वो जेन्युइन मांग है। देखिए, जेन्युइन मांग जहाँ भी होती है मैं खुल के सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो किसी वर्ग का हो। अभी आपने देखा होगा कि पुलिस भर्ती का था उसमें और बाहर किया गया था, आप देखा होंगे किस वर्ग का नुकसान ज़्यादा हो रहा था। मैंने खुद अपने स्तर पे ट्विटर ट्रेंड कराया, 10 लाख ट्वीट कराया था मैंने, आप लोगों ने बहुत लोगों ने धन्यवाद कहा कि नहीं सुबह आप सही हो। देखो, जो गलत है मैंने वो किया, फ़ायदा सबको, वो हर वर्ग का 3 वो से बढ़ा, ठीक है, लेकिन आवाज़ उठानी, मैंने अपने हक, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से, लेकिन भाई हम लोग आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, तो हमने उठाई, ये कह रहा। तो 800-800 की जहाँ तक बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, उनके साथ न्याय होगा, आज नहीं कल होगा, क्योंकि ये लोग अपनी जगह पे सही है। बस निराशा इस बात की होती है कि जहाँ 800-800 उनकी संख्या है, मरो वहीं लखनऊ के गार्डन में, हम क्यों जाएं। यही चीज़ हमारे नए शिक्षक भर्ती में होता है। हम लोग आंदोलन करते हैं, ठीक है, नई शिक्षक भर्ती की संख्या जब BEd BTC दोनों था ना, नई शिक्षक भर्ती की जब हम लोग मांग कर रहे थे, BEd BTC दोनों जब साथ में था कि नहीं BEd वाले भी बैठेंगे BTC वाले बैठेंगे, उस टाइम संख्या TET CTET पास वालों की संख्या 15-20 लाख थी, लेकिन जब धरना देने की बात बारी आती थी कुछ ही लोग BEd सेलते थे, BEd के जो लीडर थे कहते थे धरना मत जाओ ये BTC वालों करने दो, ठीक है, लेकिन जब BEd बाहर हो गया तो 72 BEd के नेता पैदा हो गए, वही सब यूट्यूबर वाले, ठीक है, सच्चाई सब लोग जानते हो कि कौन लड़ा इतने शिक्षक भर्ती के लिए, नहीं आई हम लोग सरकार नहीं है ना शासन है, ठीक, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि नए शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कौन ढंग से किया है। तो 800-800 का मेरा पूरा समर्थन है, और 800-800 के लिए हमेशा अपने स्तर पर जो आदमी करता है, वहाँ पर जो भाई बहन हमारे लड़ रहे हैं उनको दिल से सैल्यूट है, आप लोग जीतोगे, पूरा सपोर्ट है भाई, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भाइयों को न्याय मिले। पुरानी भर्तियों में एक देखो, एक 12,460 वाली थी जो कि क्लियर हो चुकी है, अभी जूनियर एडिट का मामला फंसा हुआ है, और ये 800-800, और एक नंबर जो 69,000 में एक नंबर वाला चीज़ है ना वो आया था कोर्ट का फैसला, तीन मुद्दे और अभी पेंडिंग है पुरानी भर्तियों के, ये अगर हो जाते हैं तो उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होगा। गणेश मिश्र कह रहे हैं कि 69,000 में BEd का क्या होगा, अभी कुछ नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बस यही कहूँगा, हिंट बस इतना ही दे सकता हूँ कि ये लोग इसके भरोसे रहे कि चाणक्य जी हैं, योगी मोदी जी हैं, कुछ नहीं होगा, तो भाई
बहुत कुछ हो जाएगा, और यही घमंड आप लोग का बहुत कुछ बिगाड़ देगा आपका भविष्य। इसलिए कमज़ोर मत समझना लड़ाई जो हो रही है, क्योंकि जिसकी नौकरी गई है आप लोग के चक्कर में वो जी जान से लड़ रहे हैं, ठीक है। यही जब BEd BTC का मामला चल रहा था तो यही यही गुरूर था कि अरे हम हमारी संख्या करोड़ों में है, हम पता नहीं क्या कर देंगे, अध्यादेश ला देंगे, ये वो। योगी हैं, मोदी जी हैं, और क्या चाणक्य हैं, कोई कुछ नहीं कर लेगा। लेकिन देखो बाहर होते ही सारे चाणक्य बाहर हो भाग गए, तो NCT तक ने नहीं आपका साथ दिया। तो यही कहना चाहते हैं कि कोर्ट की लड़ाई में अपने दम पे लड़िए, सरकार के भरोसे नहीं। 69 ने BEd वाला बोल दिया कन्हैया भाई, उसको आप फिर से सुन लीजिएगा। कोहिनूर गुप्ता, व्हाट अबाउट KVS? भाई बोल तो दिया मैं कि जनवरी के सेकेंड वीक में डेट लगनी है इसकी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका पड़ी है, और आज कैट में भी याचिका के लिए हर चीज़ हो गया है, तो परसों परसों सोमवार तक इसका भी चीज़ें हो जाएगा। मतलब दोनों जगह से फील्डिंग लगा दिया गया है, बस कुछ देर का समय, धैर्य से हम लोग लड़ रहे हैं। ये क्या है जी, राज तिलक सिंह सोम क्या करे BTC सेमेस्टर में नकल का कोई जुगाड़? यार तुम लोग कहाँ से आते हो यार, ये देखो लिख रहा है कि BTC सेमेस्टर में नकल का कोई जुगाड़। भाई यार भाई पढ़े लिखे हो कि नहीं यार, बताओ, सोशल मीडिया पे तुम ये सब चीज़ें लिख रहे हो, उठा लिए जाओगे हमारे यहाँ गलत जगह, जिसमें LIU के लग जुड़े जुड़े हैं, उठा लिए जाओगे, उठा लिए स्टे है भाई, कमेंट डिलीट कर लो, गलत प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, यहाँ ये सब नहीं होता है। इस वीडियो यहाँ पे लाइव चल रहा है, LIU के लोग भी जुड़े हैं कि नहीं भाई, क्या कुछ धरना वरना तो नहीं रख रहे हैं सब? तो ये सब करोगे नप जाओगे। अकीब आलम कह रहे हैं सुपर टेट कब तक आएगा? बताया मैंने भैया कि कन्हैया कह रहे हैं कभी भाई गोरखपुर कभी आइए, जरूर यार भाई, मेरा पूरा मन करता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपने लोगों से मिलूँ। बिहार भी बुला रहे हैं हमारे कुछ साथी हैं जो चयनित हुए हैं, हमारे कुछ लोग जुड़े हैं जो बिहार में हमारे भाई हुए, सबको बधाई है। और एक दिन वीडियो कॉल भी आई थी, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे लोग, तो जिक्र हुआ था, तो वहाँ से सारे लोग इकट्ठा होकर के मुझे वीडियो कॉल किए थे, अच्छा लगा। राघवेंद्र पाठक क्या कह रहे हैं? विशु भाई यार भर्ती कब तक आएगी, इसका कुछ करो भाई, हम लोग भी चाह रहे हैं, शांत बैठना कौन चाह रहा है आप ही बताओ। लेकिन जब आयोग का फिक्स हो चुका है कि फरवरी मार्च तक आयोग बनेगा, उससे पहले हम क्या कर लें आप ही बताओ? आयोग का फिक्स हो चुका है कि हाँ उस टाइम लेट बनता तो हम लोग मान लीजिए उसके लिए भी आंदोलन करते, लेकिन क्या किया जाए उसके लिए? पहले आयोग तो बन जाए, अगर उसके बाद आयोग ढीला रवैया अपनाएगा तो हम लोग कुछ करेंगे भी। गणेश मिश्र कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन भाई, आपके घर में नहीं जाओ भाई, है थैंक यू भाई, भाई का हुआ है। सुनील यादव कह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में बनारस एग्जाम सेंटर से लगभग 1000 बच्चे पास हुए थे, जिनका फाइनल सिलेक्शन में एक भी, 1000 नहीं भाई, 1065, ठीक है, पूरा डाटा है, और सब कुछ हमने याचिका में कर दिया, उसका सारे डिटेल्स जो भी सबूत हैं, ठोस पॉइंट है, सारे हमारे उसमें याचिका में सम्मिलित किए गए हैं। बस कुछ दिन आप लोग धैर्य रखिए, इस पर मैं यही कहूँगा कि जब जब चीज़ें ओपन होंगी तो खुल के होंगी। जूनियर में वैकेंसी कब तक आ सकती है? भाई पुरानी तो पहले क्लियर हो जाए, कितना बुलवा दिया यार। अरे राघवेंद्र पाठक जी कह रहे हैं विशु भाई झांसी आओ, फिर कभी मिलते, रानी लक्ष्मी का किला घुमाते हैं। जरूर आऊँगा यार, मैं सोचा हूँ कि नहीं कभी तो हर जगह जाऊँगा, अपने जितने भी साथी हैं सबसे मिलना है यार मुझे, मुझे अच्छा लगता है अपने लोगों से, जब धरना होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक लोग आते हैं हर जिले के, हमारे भाई बहन आते हैं, मिला जाता है, बहुत मुझे दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ब्रिटिश आदित्य मिश्रा क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश न्यू फॉर्म फिल करने का लिंक कब ऊपर। अच्छा भैया पोर्टल वाला कह रहे हो। पीएनपी ने सरकार को मतलब प्रस्ताव भेज दिया है, जल्द 1 हफ्ते में एक्सेप्ट हो जाएगा, सूचना आप लोग को मिल जाएगी इसकी। गिरीश शुक्ला जुड़ चुके हैं, हेलो भाई। सुनील यादव कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू भाई। मोनू कुमार, विशु भाई पीआरटी पर कुछ बोल भाई, उसी पे तो बोल रहा हूँ कब से, 10 मिनट से उसी पे तो बोल रहा हूँ। जे भी क्या कह रहे हैं कि मैंने सोच लिया है और अपना शिकार भी खोज लिया है, अगर चुनाव से पहले भर्ती नहीं आई तो मैं यहाँ के विधायक को या फिर सांसद कोई एक को जरूर रेलूँ। क्या बोलते रहते हैं, ये पूरे देश की शान है हमारे वो। और कौन है? अच्छा अपना अपना ज़िला लिखो आप लोग, काफ़ी लोग जुड़े हो, मुझे अच्छा लग रहा है। अपना अपना ज़िला आप लोग लिखो, तो किस किस ज़िले से आप लोग जुड़े हो, ज़िला का नाम। केसरिया, उनहत्तर में बीएड का क्या हुआ भाई? परसों सुनवाई हुई थी, कपिल सिब्बल लग चुके हैं, मतलब जो हम लोग का जो मुद्दा चल रहा था बीड बीटीसी वाला, वही एडवोकेट पैनल लग रहे हैं भाई, हल्के में ना लेना ठीक है। सरकार की गलत नीतियों का शिकार बीएड अभ्यर्थी हो रहे हैं ठीक है, वो भी किसी के भाई बहन परिवार के हिस्सा हैं ठीक है, सबके प्रति। लेकिन भाई जो गलत है अपने अधिकार के लिए हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़े, जो लोग नौकरी से बाहर हुए वो भी लड़ेंगे अपने अधिकार से। अगर कोई लड़ रहा है अधिकार के लिए तो कहीं के लिए गलत नहीं है ठीक है। मेरे घर में भी मेरा सगा भाई भी बीएड कर रहा है, बीएड से करके भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन भाई हक अधिकार की लड़ाई होती है, उसके लिए कोई लड़ रहा है तो लड़े। राजकुमार जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर जिले से, अच्छा मेरे ज़िले से हैं आप भी। अजीत रावत जुड़ चुके हैं, हरदोई से हैं, अच्छा जिला लिख रहे हैं आप लोग। गणेश मिश्र 18 बैच मिर्ज़ापुर से, नरेश गुप्ता मेरठ से, अरुण भाई फतेहपुर वाओ, रवि यादव गाजीपुर से, अरविंद 18 बैच मऊ, सोनू प्रयागराज से, विनय कुमार भितरी से, अरे वाह भाई मेरे यहाँ से हो। सुनील यादव सांसद रवि किशन जी के गांव से, यार इतने बताओ योगी जी के एकदम खास आदमी के यहाँ से हो, अपनी बात पहुँचाओ ना, आपके गांव के हैं यार चाचा भैया पापा फूफा क्या लगेंगे, पहुँचाओ बात अपने। क्यों बताओ रवि किशन जी की बात कौन ही मानेगा, अगर रवि किशन जी चाह देंगे तो भाई मुख्यमंत्री जी तो उनके साथ ही में से रहते हैं, उनके क्षेत्र से सांसद भी हैं। प्रवीण मथुरा से हैं, अकीब आलम प्रतापगढ़ से, वीरेंद्र यादव भदोही जुड़ चुके हैं, आदित्य मिश्रा जी सेशन पोर्टल वाला जो है मैं बोल चुका हूँ उसको, वीडियो को फिर से देखिए, इस पर मैंने काफ़ी लंबा बोला कब खुलेगा। श्याम मनोहर जायसवाल क्या कह रहे हैं, भर्ती तो नहीं आ रही कम से कम मौत ही है। अरे भाई क्या इतना नेगेटिव मत हो यार, है सबको मैं जानता हूँ दिक्कत है नौकरी की ठीक है, बट इतना नेगेटिव नहीं, बी पॉजिटिव। शक्ति यादव सैदपुर से हैं हम, 85 देवकली। शक्ति भाई देवकली और सैदपुर में अंतर है, देवकली से अंकित सिंह प्रयागराज 18 22। अच्छा कोई अलीगढ़ से नहीं दिख रहा है, अलीगढ़ से, अलीगढ़ में अगले महीने आने वाला हूँ, कोई अलीगढ़ से हो तो बताओ। भाई आशुतोष पांडे जी लाइव शुरू से सुन लीजिएगा, उसमें बोला हूँ एक ही बात बार बार बोलूँगा, जो लोग पहले जुड़े बोरिंग हो जाएंगे ना, और एक ही बात को रिपीट करना क्या मतलब है, क्यूबीएस पे मैं
दो बार बोला हूँ पूरा बढ़िया से विस्तार से, काफ़ी वीडियो लंबा होगा कोई मतलब नहीं है ना। अभय यादव आजमगढ़, आजमगढ़ जिला गरबा तक कहने बात के डरवा। आजमगढ़ वाले बड़े अच्छे होते हैं भाई, अच्छे तो सारे लोग हैं बट आजमगढ़ के लोग बड़े जुड़े हैं मुझसे। पीलीभीत से मोहम्मद जैकी मंसूरी जुड़ चुके हैं। देवरिया से दिलीप गौतम, मोनू त्रिपाठी, बहुत प्यारा भाई है मेरा ये, क्या लिख रहा है, विश यू भाई हैप्पी न्यू ईयर, पूरा अंग्रेजी बोल रहे हो भाई पूरा। विश यू भाई हैप्पी न्यू ईयर, कैंडिडेट हु वेयर सिलेक्टेड इन बिहार, कैन दे ट्रांसफर्ड इन अदर डिस्ट्रिक्ट, कुछ दिन नौकरी तो करो लो, हो जाएगा सब होगा यार। चलो बिहार में जो लोग, इनका कहना है कि भाई बिहार में जो लोग नौकरी कर रहे हैं दूर दूर, जैसे मान लो कुछ लोग लड़कियों को अररिया फेंक दिया, अररिया मतलब हिम्बा हिम्बा डिम्बा डिम्बा उनके यहाँ क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के पास फेंक दिया, आ जाओगे दो एक साल नौकरी करो आ जाओगे लोग। आगरा संजय कपूर जुड़ चुके हैं, आगरा भी जाने वाला हूँ मैं। जे भी कह रहे हो भारतीय के लिए आंदोलन, यार आयोग का ही पेचा है ना, आयोग का लोग बता रहे कि फरवरी तक हो जाएगा, फरवरी मार्च, एक बार आयोग बन जाए। रोहित यादव फरुखाबाद, विष्णु यादव कह रहे हैं कि और भैया क्या हाल है, मैं बढ़िया हूँ यार, आप लोग कैसे हो। काफ़ी लोग जुड़े यार, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। बिहार 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 में भाई, मैं बिहार में नौकरी पा गया हूँ, आओ कभी बिहार। कमलेश राजभर जी जुड़ चुके हैं, विश्व भैया क्या हाल है, ठीक हूँ बढ़िया हूँ। संभल से विष्णु जुड़ चुके हैं, टीम से जिलाध्यक्ष थे, काफी एक्टिव थे ये भी। अच्छा कोई उधर से नहीं जुड़ा है, बरे उधर से बदायूं शाहजहांपुर, अच्छा तो गए शाहजहांपुर से कौन है, सूर्यकांत तिवारी जी शाहजहांपुर से हैं। संजय चौरसिया जी हैं, जय हिंद भाई कह रहे हैं। अमित रावत कह रहे हैं मैंने सुना है भैया शिक्षक भर्ती आने वाली, आज से आ रही है भर्ती। भर्ती जब हम लोग बीटीसी थे ना प्रमोट के लिए लड़ रहे थे, 18 बजे था अपन हम लोगों का, सोचे थे कि बस प्रमोट के लिए लड़ लो, प्रमोट होते ही भर्ती आ जाएगी बैठ के तुरंत एकदम, लेकिन भाई होता कहाँ है। मुझे नहीं भरोसा है भाई, क्योंकि कहने को मैंने बता दिया ना कि जहाँ तक अभी मीटिंग हुई थी और अधिकारियों का और शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि चुनाव से पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, परीक्षा लेकिन बाद में होगा। इतना इतना भी लोग करें तो ना मुझे नहीं भरोसा है, क्योंकि एक बार और इन लोगों ने ऐसे आश्वासन दिया था मुझे जब मीटिंग हम लोगों की हुई थी, लेकिन बता रहे ना इतना सा भरोसा नहीं है लोगों पर जब तक जारी ना हो जाए। राहुल मिश्रा क्या लिख रहे हैं, कुछ भी अब टाइम आ गया संघर्ष करने का, एक लोग तो राजनीति करने करने आएंगे, क्या कह रहे हो राहुल मिश्रा जी आप। विश्व भैया अब टाइम आ गया संघर्ष करने का, एक लोग तो राजनीति करने आएंगे और अब आप अभी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे, मार्च का मतलब समझ रहे, फिर संघर्ष का कोई मतलब नहीं होगा सिर्फ राजनीति होगी, तो क्या दिक्कत है राजनीति से।
मिश्रा जी, क्या चाहते हो? बिना राजनीति के इन्वॉल्व होके कोई आप अपना काम करा लोगे? क्या दिक्कत है आपके लिए? जो लड़ रहा है, अगर वो उसको आप अपना नेता भी मानने में हो रहे हो आप, ठीक है? आप ही जैसे लोग हैं कि भर्ती ना आने पर भी सरकार की चमचागिरी करते हो, ठीक है? क्या दिक्कत है? जो आपके लिए लड़ रहा है, मर रहा है, वैसे लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, नेतागिरी ही कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? कैसा है आपको नेता चाहिए? यार मुंह मत खुलवाया करो आप लोग। अगर मान लो मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो क्यों आपको क्यों आपत्ति हो रही है? जो आपके लिए लड़ रहा है, अगर वो राजनीति नहीं कर रहा है, कौन करेगा? ये यार दिमाग खराब करते हो ना, क्यों बुरा लग गया है? मान लो बिशु यादव आपके लिए लड़ रहा है, मर रहा है, आपके लिए लड़ रहा है बिशु यादव, और आप किसको टारगेट करो मुझे नहीं पता, अगर ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? जो आपके लिए खाली हिंदू मुस्लिम बुलडोजर करता रहता है, वो आपको पसंद है? जो आपको जो इसीलिए यार हम लोग का समाज ना, इसलिए कोई किसी के लड़ता नहीं है, सब देश के राजनेता जान चुके हैं कि इन सबको भर्ती से कोई मतलब नहीं है। आप ही जैसे लोग हैं, तुम सबको भर्ती से मतलब नहीं है, तुम सबको बस इसे मोट ऐसा ऐसा बातें बोली जाए तुम सबको, बुलडोजर यहाँ चल गया, उसको ठोक दिया गया, तुम सबको ये सब सुन करके वैसे ही लोगों को पसंद करते हो, इसीलिए भर्ती कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा यूपी में। जाकर देखो बिहार में, एक भर्ती कंप्लीट नहीं 10 दिन में, देख रहे हो तुम, ट्रेन से अपने घर नहीं पहुँचाओगे, लेकिन तुरंत इंश्योर किया गया, 2 दिन बाद तुरंत सारे 10 दिन में ज्वाइनिंग करा दिया। ये देखो वहाँ पे मुद्दा है ये। तुम लोग लड़ने वालों को, और जो तुम लोग का जेन्युइन मुद्दा है, जो उस पर बात करेगा ना, तुम सब उसको चाहोगे नहीं कि वो कभी आगे आए। क्या दिक्कत है? बार बार ये सुनने में आता है कि नहीं राजनीति कर रहा है, क्या दिक्कत है? मान लो मैं राजनीति कर रहा हूँ, क्यों, क्या दिक्कत है? विश्व अगर राजनीति में आ रहा है तो क्या तुम्हें दिक्कत है, बताओ? मोहित कुमार कह रहे हैं विश्व भैया जिंदा, थैंक यू मोहित। अनम आ गया, अनम है, अनम भाई अपना आ गया, राधे राधे विश्व भाई। मैंने देखा, मैं बता दूं कि आंदोलन जब लखनऊ चल रहा था, मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, उसके सर पे आप देखे होंगे, जिस दिन हम लोग शिक्षा मंत्री से पूर्व वाले मिलने गए थे, प्रशासन ने गया था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसका यहाँ सर भी फट गया था। 1 महीने सोया था वहीं तंबू में, बोलता था बहन की शादी करनी है, विश्व भाई भर्ती नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी परिवार में। आचार संहिता लगी, वो बंदा घर गया, घर जाते ही बुलडोजर जिंदाबाद, जो भगवा लाए हैं हम पता नहीं क्या लहराएंगे, शुरू हो गया उसका। तब मैं समझा कि जब जो लोग मेरे साथ लड़े, वैसे लोग अगर उन सब का नशा नहीं उतर रहा है, तो फिर हम आप क्या हैं कोई, तो ये फिट है यहाँ पे, ठीक है? ये सब फिट है उन सब का, उन सब के लिए नौकरी कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देखो ना डीएलएड में कितने अध्यक्ष हैं, ठीक है? देखो आप बोल ही रहा हूँ तो बोल ही लेने दो, ठीक? बहुत सारे अध्यक्ष हैं, देखो देखोगे सोशल मीडिया पर सरकार की चमचागिरी करते फिरेंगे, ठीक है? कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिनको बिहार में नौकरी मिल गई है, लेकिन वहाँ पे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की गुणगान नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पे ही बात कर रहे हैं, नौकरी उनको उधर मिली बिहार में, ठीक? और बहुत सारे अध्यक्ष हैं कि नौकरी नहीं मिली, ठीक है, लेकिन अब देखोगे सरकार की चमचागिरी करते हैं। मुझे पसंद नहीं किसी की चमचागिरी करना, रही जहाँ तक मेरी बात, मुझे आपने चाहे जिसके रैली में गया हूँ उसका टोपी पहना हूँ, भाजपा के कार्यालय जाता हूँ भाजपा की टोपी पहन लेता हूँ, समाजवादी जाता हूँ, आम जनता पार्टी भी जाता हूँ, कांग्रेस भी जाता हूँ, सारे लोगों की टोपी पहना हूँ मैं, सोशल मीडिया फ़ोटो का देख सकते हो, हमें अपने काम से मतलब है, ठीक? नौकरी रहेगी, पॉकेट में पैसा रहेगा बहुत, तुम्हें ऑप्शन आएंगे चुनाव लड़ने के और राजनीति करने के, ठीक है? घर में खाने को लानत है ना पड़ी रहेगी, लाचारी रहेगी ना, कोई नहीं आएगा तुमको पूछने, हिंदू मुस्लिम ये सब आस्था का विषय है, ठीक? ये तुम्हारे सरकारों का मुद्दा नहीं है, ये जो हिंदू मुस्लिम होता है, राम मंदिर, ये सब पूजा पाठ, ये हमारे आस्था का विषय है। पैसा हमारे आपके पास पैसा रहेगा, हम लोग पूजा पाठ कर लेंगे, दान कर लेंगे, जब तुम्हारे पास खुद लानत पड़ी खाने की, तुम क्या वो करोगे?
सरकारों का जीवन मुद्दा क्या होता है? सरकार का मुद्दा यही होता है ना कि वो सब नौकरी दें, ठीक है, अस्पताल व्यवस्था कराएं, ठीक। ये हम जानते हैं कि हमारी बात आप लोग हम हमारी बात आप लोग क्या समझ में आएगा, आप लोग को समझदार हो। अजीत यादव जी कह रहे पहचान रहे हैं। हाँ अजीत जी पहचान रहा हूँ आपको। राहुल मिश्रा जी कह रहे हैं वही तो, कम से कम मुद्दा तो बनाओ, नेता हो यूपीपीआरटी के। ऐसे भाई आयोग, ये बताओ मुझे, आयोग फरवरी में बन रहा है, उसके पहले धरना करने क्या औचित्य? मुझे आप बताओ, क्या मैं धरना होगा, प्रशासन ले जाएगा मिलवाने के लिए, यही कहेंगे ना भाई फरवरी तक आयोग बन जाने दीजिए, फिर तो उसमें उसके बाद हम क्या बोलेंगे, आप ही बताओ। मुद्दा कब नहीं बनाया गया है, चाहे इलाहाबाद धरना हुआ हो, जब भी हम शामिल हुए होंगे आप देखे होंगे कि मुद्दा बना होगा, ठीक। आप लोग बताओ कि संख्या कितनी आनी चाहिए, कितनी लड़कियों की संख्या है, कितनी लड़कियां आती हैं, कितने लड़के हैं, कितने छात्र हैं। इलाहाबाद में धरना हुआ, ठीक है, आए 1,000 लोग, लेकिन कम से कम 20,000 तो, 20-30 हज़ार तो इलाहाबाद में तैयारी करते होंगे, शिक्षक भर्ती के कहाँ थे? अगर उतने छात्र उतर गए होते तो मीटिंग क्या शिक्षा मंत्री क्या डेलीगेशन की नहीं हो गई होती? कहीं ना कहीं भाई हम लोग में कमी नहीं है, हम लोग हर चीज़ झेलते हैं, ठीक। हम लोग का भी परिवार है, हम लोग को भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम लोग के ऊपर प्रशासन के ऊपर दबाव बना। बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्य अधिकारी की तरफ से मेरे ऊपर, खुद के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए चीज़ें प्रयास की गई, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। कैसे कैसे मैंने मैं मुद्दे अभी अभी वो चीज़ें, उन सब चीज़ों से मैं बाहर नहीं आया हूँ, वो सब चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा भी अगर मैं एक पोस्ट भी डाल देता हूँ ना, तुरंत मेरे ऊपर दबाव आ जाता है। ये सब हम लोग ये सब रोना गाना हम कभी शेयर नहीं किए आपसे। वो था कि मुद्दा कि हमने आपसे इससे शेयर कर दी कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान गए, लेकिन ये सब रोना धोना हम काम नहीं करते अपना। क्या मेरे चल रहा है, क्या हो, चीज़ें हम लोगों पर होती हैं। डेलीगेशन जो जाता है अधिकारियों से मिलने, इतना धमकाते हैं सब। धरना तो होता है, आप लोग जानते हो कि नहीं, डेलीगेशन गया मिलने, डेलीगेशन जाने के बाद अधिकारी कितना टॉर्चर करते हैं वहाँ पे, कि ये कर दिया जाएगा तुम्हारे घर पे, ये चलवा दिया जाएगा, तुम नौकरी सब नौकरी पा जाएंगे, तुमको नहीं करने, भाई बहुत कुछ चला जाता है, ठीक है भैया। आप लोग जो आप तो बहुत साठ में कुछ लोग तो नेतागिरी कर रहा है, आप भी कर लो ना भाई, करके देखो कितना, एक बार करके तो देखो। बहुत सारे नेता पीछे आ गए, पीछे हो गए, बैकफुट पे आ गए। 72 अध्यक्ष थे यहाँ पे डीलेड में, कहाँ है सब लापता, क्यों लापता है पता है तुम्हें? उस पर विचार करना कभी। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, उपाध्यक्ष आप लोग कहते हो ना मुझे, लेकिन आगे रहता हूँ हमेशा। कहाँ गए सब अध्यक्ष पता कर, क्यों गायब हो गए? सरकार से लड़ने की खुल करके कौन लड़ रहा है आप लोग भी जानते हो, कौन पीछे हट गया आप लोग भी जानते हो, तो सब रिलाइज करो और समझो, ठीक है। अध्यक्ष है, कभी आप लोगों ने सवाल किया कि भाई सरकार की चमचागिरी दिन भर क्यों करते रहते हो? पूछो जाके सवाल। इमरान भाई, अरे ये आ गया इमरान, इमरान दिन भर पोस्ट करते रहते हैं भाई, इनका शायद लेखपाल में हो गया है। और अभी भाई ने मुझे कुछ दिन पहले प्रयागराज में, मैं गया था तो बुला करके कुछ खिलाया पिलाया था भाई ने मुझे, नहीं, सुल्तानपुर में मैं गया था। हाँ इमरान पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट में। राम मिलन सिंह कह रहे हैं प्रत्यावेदन के बारे में कुछ तो कहिए भैया। भैया मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितने लोग हो, एक यूनिटी बना करके थोड़ा सा आंदोलन करना सीख लो, ठीक है। आप लोग हर चीज़ में चाह रहे हो कि भैया लोग ही लड़ें, तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। थोड़ा सा खुद कुछ लड़ाइयाँ आप लोग भी लड़ना सीखिए। प्रमोट के लिए लड़ा गया, आपकी छात्रवृत्ति के लिए लड़ा गया, आप क्या चाहते हो कि हम लोग नए शिक्षक भर्ती छोड़ के फिर BTC के लड़ा जाए, फिर प्रत्यावेदन के लड़ा जाए? कुछ लड़ाइयाँ आप लोग भी लड़ना सीखिए। हम लोग काम करते हैं, तो कुछ हमारी बातें आपको बुरी लग रही होगी, मैं जानता हूँ, आई नो,
उसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ अपने से भी लड़ी जाती हैं। आपको प्रत्यावेदन का भी मौका दिलाया, कोर्ट से भी हर चीज़ें हुई, अब आप लोग अपने जजमेंट को लेकर अधिकारियों के पास नहीं जा पा रहे हो। उसका उसका कॉपी आपको मिल गया होगा, कोर्ट की कॉपी लेके जाओ, अधिकारियों को मुंह पे मारो, बोलो लागू करो। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो हम क्यों जाएं आपके लिए रिस्क लेने। कुछ चीज़ें अपने लिए भी लड़ना चाहिए। हम लोग इधर नए शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास किया जा रहा है, आप लोग चाह रहे हो हम लोग पीछे जाके, तो देखिए इलाहाबाद में 72 लोग बैठे होंगे, जाके उनको दे दीजिए, वो लोग लड़ेंगे। हम लोग सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं कि नहीं, आप पीछे आप कहिए कि छात्रवृत्ति के लिए लड़ा जाए, पीछे जा करके अब सेमेस्टर एग्जाम टाइम टाइम पे उसके लड़ा जाए, भाई नहीं हो पाएगा हम लोगों से। हम लोग अपने शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग का 100% दिया जा रहा है। कुंदन सिंह जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग विशु भाई, गुड इवनिंग भैया। अमित यादव जी जुड़ चुके हैं, कैसे हो विशु भाई? ठीक हूँ अमित भैया, आप कैसे हो? कितना बुलवा दिया यार, अगर कुछ किस मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ कर देना आप लोग, बट मैं जो बोलता हूँ भाई ना, यहाँ से बोलता हूँ, दिल से ही बोलता हूँ। कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, किसी को बुरा लग गया होगा तो माफ़ कर देना। आप लोग भी जो लोग सामने से मिले होंगे मुझसे, जानते होंगे कि यार दिल में कोई खोट लेके नहीं चलता। जो भी है सामने है, अपना ही मान के बोलता हूँ, अपना मान के सामने आप लोग जो भी धरने में लोग मिले होंगे, हमारे भाई बहन जो भी, यार कभी भी आपको नहीं लगा होगा कि नहीं हम लोग पहली बार, अपनापन जैसा ही बिहेव हुआ होगा, निकल जाता होगा गुस्से में थोड़ा बहुत। अरे विशु भाई क्या उम्मीद की शिक्षक भर्ती ना के बराबर? अरे नहीं यार आएगी, क्यों निगेटिव सोच रहे हो? देखो आकाश जायसवाल कह रहे हैं डबल इंजन, आकाश जायसवाल क्या कह रहे हैं? डबल इंजन की सरकार को सिंगल इंजन इंजन कर दो, भर्ती आ जाएगी। लेकिन अंधभक्तों को भैया है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सब लोग स्वतंत्र हैं, सबका अपना अपना विचारधारा है, और हमारे आपके कहने से कोई कुछ नहीं चलता। ठीक है, एक बात और बता दें, नौकरी के लिए कितनी संख्या आपकी है? वो तो होंगे आप लोग 7 लाख 8 लाख यही ना? ठीक है, 7-8 लाख में शिक्षक भर्ती वाले हैं, उसमें से मान लो 20-30% ऐसे लोग होंगे कि भर्ती दे सरकार चाहे ना दे, वो सरकार के समर्थक हैं। ठीक है, वो रहेंगे तो आपके बोलने ना, और बचे जो लोग 3-4 लाख, उसमें कुछ लोग उनका परिवार राशन पे ही है। ठीक है, भर्ती ना आए चाहे आए, राशन फासन मिल रहा है देंगे, तो आपके कुछ चंद लोग मिलकर कितना उबाल मारोगे? तो इसलिए हमारा आपका कुछ भी वो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जो उसको समझिएगा। राशन गांव में बहुत असर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र में जो कमज़ोर तबके हैं उनको राशन मिल रहा है, आवास मिल चुका है, मिला है, इसमें मैं कोई नहीं कह रहा, मिलता भी है, और वो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, सरकार का विरोध कौन कर रहा है? जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हो चुके, जागरूक हो चुके हैं, गांव में कितने, दो चार यही है ना, गिने चुने तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक, तो धरना भाई शुरू होगा तो माहौल आपको दिख जाएगा, जब हम मैं अपना बता रहा हूँ, जब दिल से लगेंगे हम लोग तो आपको माहौल पता चल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग ना घबराइए। अगर होगा तो इस बार का धरना ऐसा होगा कि हमारे यहाँ, देखो हमारा सिद्धांत है कि जो लखनऊ में चल रहे हैं, अगर 1-1 महीने में उसका निपटारा हो जाता है तो अति उत्तम, उसके बाद हम लोग का ही बचेगा, मन से किया जाएगा। गगन सिंह जुड़ चुके हैं, रमाकांत यादव जुड़ चुके हैं, नमस्कार विशु भाई। अशी यादव जी जुड़ चुके हैं, सचिन गंगवार जी जुड़ चुके हैं, गौरव निर्वल जी जुड़ चुके हैं, कुछ लोग राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा से एक भाई जुड़ा था अभी, बिहार,
बिहार गया से हूँ भाई, को राधे राधे। राधे राधे भैया। बिमलेश कुमार यादव जुड़ चुके हैं। सोनू शर्मा क्या कह रहे हैं? बहुत से भाई राशन और वोटों को खरीद लिया जा रहा है। छत्री मोहित तोमर ही जुड़ चुके हैं, क्या हाल है? ठीक है भाई। प्रदीप कुमार यादव जुड़ चुके हैं, नमस्ते भाई। निशा सिंह जी क्या कह रही हैं? कहाँ से हो गई आप? मैं गाजीपुर से हूँ, यूपी से। यूपी पुलिस वाले कितने हैं? कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? यूपी पुलिस वाले के भी थे कुछ लोग भरे हो गए नहीं फॉर्म? कोई भरा हो तो बताओ। आरो यारो, आरो यारो वाले भी दे रहे हो नहीं आप लोग? अनूप वर्मा जुड़ चुके, तजेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं, राशन ये कटु सत्य भाई, राशन बहुत मैंने देख रहा है। और क्या देखने, ये थोड़ा सा सब चीज़ लग रही, थोड़ा सा कर दे बिना कुछ करे, मिले फिक्स कर दे। अनम कह रहा है आरो, हाँ थोड़ा सा अपने लगे रहो अनम भाई, आप लोग भी। गोविंद यादव जुड़ चुके हैं। कितना फॉर्म पड़ा है इस पुलिस वाले में, किसी को आइडिया कोई है? कितना फॉर्म पड़ा है अब तक? अच्छा गोविंद भाई जुड़ चुके हैं अपने, गाजीपुर से हैं। अभय गुप्ता जी, केवीएस वाले में बोल दिया हूँ भाई, कितनी बार बोलूँगी। सोनू शर्मा नया युग फरवरी मार्च चला जाएगा बनने में। सोचा था हाल चाल लूंगा पूरा। हाँ यार एकदम सारी जानकारी, जानकारी पूरा। सालू यादव जी कह रहे हैं कि अब तक 7 लाख, अभी 7 ही लाख पड़े हैं, कोई कह रहा था कि 40 लाख पड़ चुके हैं। तेजेंद्र यादव कह रहे हैं 31 लाख, सालू यादव जी कह रही हैं 7 लाख ही पड़े। सोनू कुमार कह रहे हैं 10 लाख, सब तुक्का मार रहे हैं, सारे तुक्के मार रहे हैं। रमाकांत कह रहे हैं 15 लाख। यार जेबी क्या कह रहा है, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, किसी दिन सुनाई देगा कि बीजेपी विधायक को एक शिक्षक भर्ती ने गिरा कर मारा। ए यार भाई मैं जानता हूँ तुम बड़े आक्रोशित इंसान हो, लेकिन ये सब गलत काम नहीं, कोई भी काम लोकतांत्रिक तरीके से ही। देखो उत्तेजित हो करके आप कुछ गलत कदम उठाओगे, किसी आप जो बात लिख रहे हो कि इसको मारूंगा, उसको पिटूंगा, नेता को, भाई उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रशासन आपको गिरफ्तार करेगा, फालतू का जेल सेल भेजेगा, उसके बाद आप भर्ती फॉर्म। तो कोई भी लड़ाई देखिए, गुस्सा मैं बता दूँ, गुस्सा सबको आता है, हम लोग को नहीं आता है कि भर्ती मांगने पे FIR हो जाती है। अभी मैं बता दूँ कि पूर्वांचल वाले जब जाते हैं धरने में, मेरे साइड के लखनऊ में धरना चल रहा था, पूर्वांचल वाले गए कह रहे हैं विशु भाई हम जा रहे हैं, क्या बोलते हैं बस फूंक देंगे ये कर। हमने कहा बेटा फूंक तो दो, उठाया कौन जाएगा, उठाया कौन जाएगा जो नेतृत्व कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए भाई लिमिट में एक दो दिन के लिए आ रहे हो और पूरा ये फूंक दो, पक्ष फूकने से धरना वो होता है, ठीक है? तो ऐसा काम नहीं, उत्तेजित वाला काम नहीं भाई, मैं गलत सजेस्ट नहीं करूँगा। लोकतांत्रिक दायरे में रह करके तरीका होता है सरकार का विरोध करने का, ऐसा नहीं है कि आप जो प्रतिनिधि हैं उन पर हाथ उठा करके, ऐसा नहीं। मैं भाई कोई भी काम लोकतांत्रिक दायरे में रह करके,
जेल मंजूर है लेकिन बेरोजगारी नहीं। भाई जेल देखो, मैं जानता हूँ कि आक्रोश है यूपी के युवा में बहुत ज़्यादा है यार। 5 साल 24 आ गया, 6 साल बहुत ज़्यादा है। सब चीज़ें बहुत बेकार चीज़ें हैं सब है, ठीक है, क्या किया जाए। आक्रोश तो होना जायज़ है, मैं समझ रहा हूँ आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि कोई काम लोकतांत्रिक दायरे में रख कर। 97 जन शिक्षक भर्ती PRT नोटिफिकेशन। देखिए शिक्षा मंत्री के यहाँ कुछ टीम गई थी, उनके अकॉर्डिंग ये बातें निकल के आई हैं कि शिक्षक भर्ती का ज्ञापन जो है कि चुनाव से पहले जारी होगा, लेकिन परीक्षा कब होगी इसका कोई अता पता नहीं रहेगा, कि चुनाव के बाद होगा कि शपथ ग्रहण के बाद होगा। तो मुझे नहीं भरोसा यार, मैं बोला हूँ इसके पहले, बोल चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। जब नोटिफिकेशन आप आँख से देख लीजिएगा, क्योंकि यार देखो जब लखनऊ आंदोलन हो रहा था, हम लोग कमेटी के लोग बुलाया गया था, मैं था, राणा भैया थे, उस टाइम पे जो जो लोग भी गए थे, हम लोग अपने आँख के सामने देखे थे। टेबल पर रखा था 17,000 का विज्ञापन। शिक्षा मंत्री उस टाइम पे सतीश द्विवेदी जी थे, जब हम लोग को जाना था सिद्धार्थ नगर प्रशासन ले गया था मिलवाने के लिए, तो उसके एक दिन पहले बघेल हैं सचिव हैं, उनके हम लोग की मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमने खुद देखा था, मैं हमने छोड़ो मैंने खुद देखा था कि 17,000 का विज्ञापन तैयार है, हम लोग के आंदोलन के दबाव में इतना जारी करने जा रहे थे। हमने कहा सर जितने भी रिक्त पद हैं उस पर जारी किया जाए, चुनाव हुआ जीत गए, उनको नौकरी कोई मुद्दा ही नहीं दिखा, तो उस पर फिर कोई बात ही नहीं हुई। तो जिसका विज्ञापन तैयार है वो नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ें क्या किया जाए। अब देख लो जूनियर एडिट की भर्ती हुई है, भाई सब परेशान है, जानबूझ के भर्ती को फंसाया गया है। देखो एक गुदा होना चाहिए, ठीक है, कहने से जिसके अंदर गुदा होता है ना, देख लो बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में हो जा रहा है और ज्वाइनिंग आप देख ही रहो। तो एक अगर गट्स है सरकार में बहुत ताकत होती है यार, वो चाहे तो एक दिन में एग्जाम लेके बहुत कुछ कर दे, लेकिन सीएम राय क्या कह रहे हैं। हाँ, सीएम राय जी का मैं कमेंट थोड़ा सा लेना चाहूँगा। गोरखपुर के हैं, शादीशुदा हो चुके हैं दोनों लोग, पति पत्नी लोग दोनों लोग जुड़े हैं भाई, ये भाई भी जुड़ा है, भाभी भी जुड़ी हैं, ठीक है, दोनों लोग शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि नेता बोल रहे हैं बीजेपी के कि हमें नहीं दिख रहा है कोई मांग कर रहा है। ये एक नेता से मिले, एक विधायक हैं इनके यहाँ गोरखपुर के, नाम नहीं लूँगा मैं, मिले तो वो क्या कह रहा है विधायक, भाई कोई मांग तो नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है। ये बताओ कि मुझे किसी को दान देना है तो मैं ये वेट करूँगा कि कोई भिखारी मुझसे आके भीख मांगे, ऐसे पे लानत होना चाहिए। वहीं तुमको जूता निकाल के पीट देना चाहिए था यार, सॉरी मैं इसके लिए वो नहीं कह रहा हूँ, अपना भड़ास निकाल रहा हूँ, ठीक है। यार ये बताओ कोई नेता ये कह रहा है कि कोई मांगे तब मैं दूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि 5-6 साल से भर्ती नहीं आई, उसके बाद भी तुम ये चाह रहे हो क्या कि हमारे यहाँ से लोग ये चोरी करें। सलील पटेल जुड़ चुके हैं, भाई को नमस्कार। नमस्कार भाई, देखो सरकार सिर्फ एक मुद्दे पे काम कर रही है, जितने भी रिक्त पद है, चाहे जिस भी, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे UPSC PSC के अधीन हो, शिक्षक मतलब रिक्त पदों पर दे दे युवाओं को, और क्या चाहिए, सिर्फ युवाओं के हित में काम कर दे, फिर कोई हम कौन विरोध करना चाहेगा यार, ये बताओ, कोई नहीं। बस ये नौकरी के मुद्दे पे काम कर दे गवर्नमेंट, बाकी मुझे नहीं लगता कि और मुद्दे पर कोई बस कोई युवा बोलना भी चाहेगा। मेरा बहुत प्रिय है और इसका KV में हो गया है, कहाँ मिला है हर्षित तुम्हें, कोलकाता है ना। हर्षित कह रहा है भर्ती कब आएगी, तुम क्या करोगे करोगे भाई भर्ती, चुपचाप नौकरी करो वहीं पे रह जाना, अच्छे से आवास वास मिल रहा है वहीं पे रह जाना, आके यहाँ पे एक सीट खाओगे बच्चों का, ठीक है। अब मिठाई 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 भिजवा दो, ऑर्डर कर देना मेरे घर पे। धर्मेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, हर्षित आ रहे थोड़ी देर में आ रहे हैं, हर्षित जी जुड़ चुके हैं, और हर्षित
हर्षित क्या कह रहे हैं, खड़गपुर वेस्ट बंगाल में इनकी पोस्टिंग है। बधाई हर्षित, दिल से बधाई। और काफ़ी लोग उधर पोस्टेड हुए हैं, पूरा स्वागत है आपका। थैंक यू हर्षित, अच्छे से रहो और ईमानदारी से वहाँ पर अपना सेवा दो। काफ़ी लंबा लाइव सेशन हो गया ना। और कोई मेरा भाई अपना दुख पीड़ा दर्द मुझे साझा करना चाह रहा है, करें। अनूप त्रिपाठी कह रहे हैं कि अनूप आप कहाँ से हो, कानपुर से हो क्या, एक बार थोड़ा सा कमेंट करना। पार्टी का कोई मुद्दा दिख रहा है यूपी में, एक युवा है कि अपनी मांग करते हैं। बाकी मीडिया 161वें रैंक के हमारी जो मीडिया है, आपको लग रहा है कि 161वें रैंक की जो मीडिया है, लगता है कभी कि हमारी आपकी आवाज़ वो कभी बनेगी। सत्यपाल यादव जुड़ चुके हैं, राधे राधे भाई। अनूप त्रिपाठी संत कवि नगर से हैं, कलीलाबाद से। आऊँगा यार, कभी आना हुआ जरूर मिलूँगा। रवि यादव जुड़ चुके हैं। निराश ना हो, देखो निराश ठीक है, देखो निराशा थी, लेकिन बिहार में कुछ भाइयों का हुआ ना, कुछ बहनों को अपने, कुछ यारों का हुआ ना, हो जाएगा। एक समय लगता है चीज़ों में। अब देखो 12,000 जो चयनित थे अखिलेश यादव के समय की, वो भर्ती थे 7 साल पहले 8 साल पहले की भर्ती थी, लेकिन वो कम आंदोलन किए, धरना दिए, कोर्ट कचहरी ठीक है, कितनी कितना झेले मानसिक। समझो कि मेरे भाई का जब उन्होंने BTC किया था, 21 साल के थे जब एग्ज़ाम उग्जाम दिए थे, आज 27-28 हो गए, मतलब ज्वाइनिंग होने में। तो कहीं ना कहीं मानसिक होता है ना कि भाई एक सबका वो रहता है सपना कि हम कम समय में नौकरी पा जाएं, ठीक है, परिवार को गर्व हो, सबका होता है वो ठीक। बट मिला ना, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव बहुत जीवन में आता है ठीक है। आप देखो देखोगे कि बहुत सारे दोस्ती आपके होंगे, आप देखे होंगे कि कितना रूप रंग दिखाए होंगे ठीक है, जिनको आप सबसे ज़्यादा माने होगे, सब जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किए होगे, वही आपको रंग दिखाया होगा। तो ये सब जीवन का हिस्सा है ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको आज नहीं कल, ऐसा नहीं है किसी ने, आपका जो जीवन का जो मार्ग है ना, वो बनता जाएगा, दुख सुख से ही सही ठीक है, वो ऊपर नीचे सही, बट चलेगा जीवन, इसी जीवन का ही नाम ही है। तो निगेटिव ना होना, बहुत सारी सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, जो नौकरी कर रहा है उसके साथ भी होता है, उतार चढ़ाव हर चीज़ होता है ठीक है। बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं बट बात होती है परेशानी दिखेंगे ठीक, सबके अंदर है। तो निगेटिव नहीं, जैसे चल रहा चलने दो। शिवम क्या कह रहे हैं, शिवम राय कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया से लगातार मांग उठनी चाहिए ताकि सरकार को पता चले कि, पहले ये बताओ कि कमेंट आप कर रहे हो भाभी कर रही हैं। शिवम पहले ये बताओ कि कमेंट आप कर रहे हो भाभी कर रहे हो, आईडी चलाता कौन है, क्योंकि फ़ोन कभी करते हो तो वो उठा के फिर तुम्हें कॉन्फ्रेंस करती है, फिर कभी तुम करते हो तो वो कॉन्फ्रेंस करके दोनों लोग बात करते हो हमसे। फिलहाल में आईडी कौन चला रहा है आपके, यादवेश। हेलो भाई, हम सैद पुरुष हैं, व्हाट्सएप कर देना, जुड़ जाना तो आप भी यादवेश। भाई शिक्षक भर्ती पे बहुत बोल चुका हूँ यार, कब से बोल रहा हूँ, एक ही बात क्यों रिपीट करा रहे हो। अनामिका अन्नू जी जुड़ चुके हैं, करें एक बार और आवाज उठानी चाहिए। अनामिका जी धरने में आप आए थे, ईमानदारी बताना, इलाहाबाद में धरना हुआ था, आप लोग आए थे। देखो यार एक बात बता दूँ कि जितना शिद्दत से हम लोग लड़ाई लड़ते, उतने पे तो जितने लोग जुड़े हो ना, अगर उतने आ जाते यार बहुत संख्या हो जाती है।
जितने लोगों को जोड़ा गया है फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, उतने सारे आ जाते हैं ना यार, लेकिन नहीं आना चाहते लोग। लड़कियां देखते हो कितनी कम आती हैं। 15 बैच का धरना था, बता रहा हूँ कि पूरे ड्रेस में पहन के BTC टाइम। सीहम कह रहा है मैं ही कर रहा हूँ। बैठे दोनों साथ ही में हो गए। यार कुछ और पूछो ना आप लोग, मैं जा रहा हूँ कि बातें करूँ आपसे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आज, थोड़ा सा बड़ा अकेलापन टाइप लग रहा था। उदित साकिया जी जुड़ चुके हैं, अमित यादव जुड़ चुके हैं, प्रदीप उन्नाव से जुड़ चुके हैं, गौरव निर्बल भैया जी कभी शामिल आइए जरूर। यार मैं कहीं भी जाऊंगा ना तो आप लोगों को एक बार बताऊंगा, आप सबसे मिलना है मुझे। एक कभी न कभी तो ऐसा अवसर आएगा कि हम आप एक जगह तो कहीं ना कहीं मिलना ही है। अनूप कह रहे हैं भैया कभी इधर आइएगा तो ज़रूर याद कीजिएगा। ज़रूर मैं पोस्ट डाल दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा आपको। देखो मिलना होता है, लोग मिल जाते हैं। जैसे 12460 वाली काउंसलिंग हो रही थी, मैं खुद गया था, वहाँ विशेष और परिचित अपने, मैं वहाँ गया था तो जो लोग भी वहाँ पर संघर्षशील लोग थे 12000 में, सारे लोग मिले भाई। इको गार्डन में वहीं उनका भी धरना चलता था, हमारा भी चलता था, तो जो जो भी वहाँ पे आते थे तो मिलते थे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हम आप अचानक ही मुलाकात हो जानी है। वीरेंद्र कुमार यार बोर हो गए क्या, कह रहा गुड नाइट भाई। यार बेइज्जती कर रहे हो। यार बोर हो गए क्या वीरेंद्र भाई। यार देखो मेरा भी मन करता है, लेकिन यार मैं तभी लाइव आता हूँ जब कुछ पॉइंट्स रहते हैं या कोई बातें रहती हैं या फिर जब आंदोलन होता है। बहुत दिन बाद ऐसे ही मैंने बिना बिना किसी बात के आप लोगों से बात करने का मन किया तो वो आ गया। थोड़ा सा अकेलापन सा लग रहा था तो इसीलिए। संजय यादव कह रहे हैं गुड नाइट। ठीक है साथियों, फिर कुछ लोग नए साल का विश कर रहे हैं। क्या नया साल है यार, सब तो पुराना ही चल रहा है ना। 2023 अक्की बालम कह रहे हैं भाई सुपर टेट एग्ज़ाम के बाद ज्वाइनिंग कैसे मिलती है, A to Z प्रोसेस बता दीजिए। पता नहीं है। अरे यार भैया भर्ती आ जाना दो, पहले भर्ती आ जाना दीजिए, एक एक चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, क्या उसमें उसमें क्या होता है जान ही लो। भर्ती आएगी, परीक्षा दोगे, मेरिट बनेगी, मेरिट में अगर रहोगे बुलाया जाएगा। जाओगे बी एस सी ऑफिस जाने के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा, वही मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका बस। उसके बाद क्या है, माला वाला पहना के आपको स्वागत किया जाएगा, मिठाई उठाई चढ़ाओगे ले आके हमको तुम लोग। और कौन सा और कोई प्रोसेस नहीं होता है। शादी हुई नहीं, बच्चे का नाम पूछ रहे हो कि आलम जी। ठीक है साथियों, इसी के साथ लाइव सेशन को समाप्त करता हूँ। बहुत खतरनाक सवाल पूछा यार आके बाल हमने। ठीक साथियों, गुड नाइट।
गुड नाइट सबको, वीरेंद्र जी, संजय जी, अनामिका जी, सबको गुड नाइट।